शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तुमने सब क्यों किया? सब जानते हुए भी कि मैं फिर से स्टेज पर गाना नहीं चाहती। मैं पिछला सब कुछ भुला चुकी हूँ। मैं फिर से उन लोगों के बीच में नहीं जाना चाहती जिन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। नेहा, ये बात मैं जानता हूँ और ये प्रोग्राम मैंने उन्हीं लोगों के मुंह पर कालिक फूंकने के लिए किया है और मुझे इसमें तुम्हारा साथ चाहिए। आज अगर तुम नहीं कहोगी तो मेरे दिल में सुलगती प्रतिशोध की आग मुझे कभी चैन नहीं लेने देगी। मुझे मजबूर मत करो नेहा, मेरी ये आखिरी बात मान लो। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हें गाने के लिए कभी मजबूर नहीं करूंगा। प्लीज नेहा, प्लीज। ठीक है राजा, मैं तुम्हारे लिए गाऊंगी, लेकिन ये मेरा आखिरी प्रोग्राम होगा। थैंक यू नेहा, थैंक यू वेरी मच। सब ठीक है ना? हाँ जी हरी साहब, सब ठीक है। लाओ रिमोट कंट्रोल। राजा कहाँ है? वो तो तनिक काम के लिए बाहर गवा है। ऐसा क्या काम था? देखा ना, हमने पहले ही मना किया था पर राजा नहीं माना। ये सब उसी की पागलपन का नतीजा है। ऐसे मत कहिए नेहा जी। क्यों ना कहूँ, मेरे लाख मना करने पर भी उसने ये प्रोग्राम रखा सिर्फ नाम और पैसे के लिए। वो कसम में आप बड़ी भूल कर रहे नेहा जी। असली जानना चाहती है तो आइए हमारे साथ। हाँ बेटा, हम अभी आवत है। सिस्टर, सिस्टर क्या हुआ? सब ठीक तो है? आपके बेटे को होश आया, थोड़ी देर बाद उसे मिल सकते हो। थैंक यू सिस्टर। राजेश त्रिपाठी को होश आया क्या? उन्हें भी इंजेक्शन दिया, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। ये किस राजेश त्रिपाठी की बात कर रहे हैं? मालूम नहीं। आप लोग कौन है? आप लोग राजेश त्रिपाठी को कैसे जानते हैं? क्या उन्हें? आप उसके रिश्तेदार हैं? मैं जो कुछ भी हूँ, पहले ये बताइए कि उन्हें उस महान आदमी ने मेरे बेटे को नई जिंदगी दी है। अपने किडनी देकर उसने बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर। किडनी? हाँ बहन, बहुत अच्छा आदमी है वो। हम लोग उसे 5 लाख तक देने को तैयार थे, लेकिन उसने सिर्फ 50,000 रुपए लिए और वो भी ये कहकर के अगर जिंदा रहा तो पाई पाई लौटा दूंगा। बड़ा एहसान है उसका हम पर। अच्छा बहन। अच्छा पांडे भैया, बताइए राजा ने ऐसा क्यों किया? राजा भैया को अपनी जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत थी? पांडे जी बताइए क्यों किया राजा ने ऐसा? तोहरे खातिर। तोहरी आवाज ठीक होने के बाद वो टाइम पुलिस की बात करता रहा। पांडे, इस संगीत जगत में नेहा को जब तक वही पुराना स्थान नहीं दिलाई दे तब तक हम चैन से नहीं जी सकत। बस तोहरे प्रोग्राम के खातिर राजा ने। इस वक्त वो कहाँ है? ओरोमा। Thank you.
नेहा रोती नहीं ना पगली। काश नासों को रोकना मेरे बस में होता। राजन ये सब तुमने सिर्फ मेरे लिए किया? मैंने जो कुछ भी किया अपने प्यार की खातिर किया। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि शो कैसा रहा? शो नेहा क्या हुआ? क्या हुआ नेहा? बात क्या है? बात क्या है नेहा? शो नहीं हो सका राजा, हरी हमसे फिर जीत गया, हम हार गए। प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक ब्लास्ट हुआ और पूरा पंडाल जलकर राख हो गया। चलो अच्छा ही हुआ, तुम भी तो यही चाहती थी ना? हाँ लेकिन कल तक मैं यही चाहती थी कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए गाऊं। लेकिन आज जब तुमने मेरे लिए सब किया, अपनी जान तक की परवाह नहीं की। नेहा राजा मैं तुम्हारे प्यार की कसम खाकर कहती हूँ, मैं गाऊंगी, जरूर गाऊंगी और उसी मुकाम पर पहुंच कर दिखाऊंगी जहां तुम चाहते हो। तुम्हारी इस हार को जीत में बदल दूंगी, इट्स अ प्रॉमिस। सच नेहा? नेहा जी संगीत की दुनिया में फिर से वापस आने के लिए हैरी सक्सेना आपका स्वागत करता है। नेहा जी मैं जानता हूं कि आप मुझसे नाता तोड़ चुकी हैं, लेकिन आप मेरी बधाई देने का हक मुझसे नहीं छीन सकती, नहीं छीन सकती। मेरे प्यारे संगीत प्रेमियों, आज भले नेहा जी ने मुझे अपने आप से बहुत दूर कर दिया है, लेकिन आप लोग एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि नेहा जी मेरी खोज है, मेरी इजाद है, मेरी डिस्कवरी है। एक जमाना था जब मैं इनके लिए शो अरेंज किया करता था, यह मेरी बदकिस्मती है कि मैं वहां खो चुका हूं। बहुत अफसोस है मुझे, लेकिन मेरे और नेहा के बीच में एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा नाता है जो कोई नहीं तोड़ सकता, और वो है गीत का, संगीत का। करती है फरियाद ये धरती कोई हजारों साल, तब जाकर पैदा होती है नेहा जैसी महान कलाकार। नेहा जी की तारीफ करना तो सूरज को दीपक दिखाना है। नेहा जी की सुरों में मां सरस्वती की वीणा की झनकार है। मुझे माफ कर दे। अब तुझे पता चलेगा कुत्ते कि आवाज जाने का दर्द क्या होता है। यू बास्टर्ड! आज तेरी आवाज छीन लूंगा मैं हरामजादे। चल कुत्ते चल, यही है वो कमीना जिसने नेहा जी के सुर को छीनकर उन्हें आपसे बहुत दूर कर दिया था। ये आज फिर अपनी कमीने पर आवाज नहीं आया और नेहा जी को जान से मारने की कोशिश की।
इस आस्तीन के सांप को तो सजा हम देंगे। मेहरबानी करके आप लोग शांत रहिए। हरि सक्सेना को उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। आप लोग मेहरबानी करके चुप करके बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप लोग शांत होकर बैठ जाइए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आपको यह जानकर खुशी होगी कि नेहा जी के गीतों के कैसेट मार्केट में इतने ज्यादा बिक चुके हैं, इतने ज्यादा बिक चुके हैं कि टिप्स कंपनी के श्री रमेश तुरानी साहब खुद आज अपने हाथों से रॉयल प्लेटिनम डिस्क उन्हें अपने हाथों से पेश करेंगे। गिव हर ए वेरी बिग हैंड। ये लीजिए नेहा जी। इस ट्रॉफी के असली हकदार मैं नहीं, राजा है। अगर आज राजा नहीं होता तो संगीत की दुनिया में नेहा कभी नहीं लौट पाती।